प्रोग्राम है, आप लोगों के बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता है, और आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, ये हम लोग शुक्रगुजार हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, इसीलिए प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों, मेरा नाम राजू कुमार सिंह है। अगर मैं कुछ बोलूँ, उससे पहले कुछ आपसे बात करना चाहूँगा, अपने बारे में कुछ बोलूँगा कि देखिए, स्मार्ट वेन्यू के अंदर में 15 साल से ज़्यादा हो चुका है। 15 साल पहले जब आया था, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करता था, तब एक स्मार्ट वेन्यू ज्वाइन किया। आपको बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास में कैरियर नहीं था, उसको छोड़ करके स्मार्ट वेन्यू क्यों आया, ये सबसे बड़ी बात है। आज मैं कहीं भी रहता, 1000 लाख रुपया का सैलरी, 50,000 लाख रुपया का सैलरी मैं कमाता, तो फिर स्मार्ट वेन्यू हम लोगों ने क्यों किया, मैं इसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप लोगों को बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, स्मार्ट वेन्यू का जो ये प्लेटफॉर्म है, कितना पावन है, कितना उद्यम है। पूरा दुनिया देखिए, धर्म में, जाति में, रंग भेद में बटा हुआ है, लेकिन स्मार्ट वेन्यू का ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई जाति है, ना कोई तो रंग है, ना तो कोई रूप है। यहां पर एक ही धर्म है स्मार्ट वेन्यू, एक ही जाति है स्मार्ट वेन्यू। जो दुनिया में नहीं लोग कर पाए, वो काम स्मार्ट वेन्यू करके दिखा दिया। आज कोई समय नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बात और बोलूंगा। देखिए, हम लोग सब साधारण लोग, साधारण फैमिली से हैं, हम लोग सभी लोग साधारण फैमिली से हैं। हम लोगों क्या है ना, सपना देखने में डर लगता है। हम लोगों का सपना देखना, ये हम लोगों का हक में नहीं है, ये हम लोग का अधिकार में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग गरीब है। हम लोग का जन्म इसीलिए हुआ है, कोलू की बैल की तरह खटते रहो और एक दिन मर जाओ। हम लोगों का जीवन में सपना देखना नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, हम लोग लकीर का फकीर अगर बने रहेंगे, तो जिंदगी भर हम लोग कोलू की बैल की तरह काम करते रहेंगे। हम लोगों को ड्रीमर बनना पड़ेगा, हम लोगों को सपना देखना पड़ेगा। हम लोग साधारण लोग अगर सपना नहीं देखेंगे, तो मर जाएंगे इसी तरह, कोलू की बैल की तरह खाट करके। जब स्मार्ट वेन्यू ज्वाइन किया था, मैं अपने जाकर पेरेंट्स को बोला, बाबूजी को बोला, माँ को बोला, बोला कि देखिए माँ, एक दिन मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं घर करूंगा। माँ बोली, ये हम लोगों के नसीब में नहीं है, हम लोग लकीर में नहीं है। मैं दोस्तों, आप लोग एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्या मेरा सक्सेस ये लकीर पर टिका हुआ है? अगर मेरा हाथ में लकीर रहेगा, तभी मेरा गाड़ी होगा, तभी मेरा घर होगा और मेरा बेहतर लाइफ होगा। अगर ये लकीर में ही प्रॉब्लम है, तो चाकू को लाओ, ये लकीर को हटा दो। ये लकीर हमारे कभी भी सपने के बीच में नहीं आना चाहिए। ये हम लोगों को हिम्मत दिखाना पड़ेगा, और हम लोगों को सपना देखना पड़ेगा और उसको अचीव करना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं करेंगे ना, घुट घुट कर मरेंगे। मैं एक साधारण परिवार का, मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे, एक गरीब परिवार का आदमी, जिसके दो भाई और एक बहन ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाएंगे। मेरे पिताजी के पास में इतना पैसा नहीं था। मैं पढ़ने में अच्छा था, तो पिताजी ने मुझे पढ़ाया और मुझे ग्रेजुएशन कराया और MCA करवाने के लिए कोलकाता में भेजे थे। ये पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करेगा तो हम लोगों का माली हालत सुधरेगा। हम एक ऐसा फैमिली से आए हुए हैं जहाँ एकदम गरीब से गरीब। हम अपने अपने घर में ना देखा है कि सपने कैसे दम तोड़ता है अपने। हम लोग 2-3 टाइम के अंदर में कभी कभी ऐसे भी दिन गए हैं तो एक टाइम हम लोग लाले पड़े हैं। हम लोग अपने घर के अंदर में सपने को मरते हुए देखा है। किसके नजर में मरते हुए देखा है? अपने माँ के आंखों में सपना मरता हुआ मैंने देखा है। अपने पिताजी के आंखों में मैंने सपना मरते हुए देखा है। और जब मैं बाहर पढ़ता था ना, पिताजी जब मुझे 4000 रुपये अपना खर्चा भेजते थे ना, तब मुझे मालूम होता था कि मेरे को एहसास होता था कि पिताजी क्या बिक्री करके पैसा मुझे भेजे हैं। कभी कभी धिक्कार होती थी मुझको अपने आप से कि राजू, तुमने जन्म लेकर के क्या अच्छा काम किया है, अब तुम्हारे चलते तुम्हारे 2 भाई और 1 बहन ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाए। मैं हमेशा भगवान से एक ही दुआ करता था, अगर सचमुच अगर भगवान इस दुनिया में है, तो मुझे भगवान एक मौका दे जो परिवार मेरे लिए जिंदगी में सब कुछ त्याग दिया। मेरी माँ ने अपने सपने को मार मार करके हम लोगों को बड़ा किया, जो पिताजी ने हम लोगों को सपने को मार मार करके बड़ा किया, मुझे एक मौका दे अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए। और उस समय इस कलयुग में भगवान चल करके नहीं आया, किसी ना किसी दूत को भेज दिया था स्मार्ट वेन्यू मेरे जीवन में, और मैंने स्मार्ट वेन्यू को ग्रहण किया। आज 15 साल हो गए स्मार्ट वेन्यू के अंदर में, मैं वो लाइफ लीड करता हूँ जो लोगों के सपने के बाहर की बातें हैं, जो लोग जिंदगी में सोच नहीं सकते हैं वो काम करते हैं। हम लोग इतना इनकम करते हैं कि लोगों की सोच की बाहर की बातें हैं। एक किसान का लड़का, एक गरीब घर का लड़का इस जगह पर क्यों आ चुका? क्योंकि उसने एक सपना देखा था और लकीर के ऊपर भरोसा नहीं किया था। एक लकीर आपके सपने आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। आज मैं पैसे वाले को बोलते हैं, कैसा पैसा वाला, मैं इसके स्मार्ट वेन्यू के माध्यम से 25 कंट्री कर घूम करके आ चुका हूं मैं। और आज गाड़ी पर मैं ऐसा गाड़ी पर चढ़ता हूँ कि अगर दुमका में कोई चढ़ता होगा तो उसकी हैसियत होगा। एक किसान का परिवार का लड़का कभी भी 27 लाख की गाड़ी पर नहीं चढ़ता होगा। बाहर जाकर देख लीजिएगा, एक 27 लाख की गाड़ी पर मैं चढ़ता हूँ। आज घर बोलिए, ऐसा घर कि लोगों को सपना होगा। आज मैंने जो सेकंड मैंने जो अपार्टमेंट लिया है, 1 करोड़ रुपया के लिए लिया है, 1 करोड़ का अपार्टमेंट लिया है, इसी अपार्टमेंट के लिए है।
हम लोग गरीब है तो क्या है, गरीब है तो क्या, हम लोग इसलिए जन्म हुआ है कि बड़े लोगों के गुलामी कर करके अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। क्या हम लोग सपने नहीं देख सकते हैं? गाड़ी हमारे लिए नहीं है, घर हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए बेहतर लाइफ नहीं है, मैंने गुलामी किया, मेरा बच्चा भी गुलामी करेगा, इसलिए हम लोग का जन्म हुआ है? नहीं, ये पहले होता था, जब से स्मार्ट वैल्यू आया ये सेंटेंस बदल गया। नहीं, अब हम लोग राजा की तरह जिंदगी जिएंगे, स्मार्ट वैल्यू करके हम लोग अच्छा जिंदगी जिएंगे। लेकिन हम लोग स्मार्ट वैल्यू के अंदर में जमा रहना पड़ेगा, टिका रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको बोल करके जाता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर 1500 लोग बैठे हैं, अगर तुम पैसा जिंदगी में नहीं कमाओगे, खुशियां तुम्हारे दरवाजे से रिटर्न चली जाएगी। जिसको ज्यादा मोहब्बत करते हो तुम्हारे तुमको छोड़ के चला जाएगा। तुमको पैसा बहुत कमाना है, लेकिन गुलामी करके 10,000-5,000 से तो पैसा नहीं कमा सकते हो। पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि हमारा कोई आदमी मेरे को छोड़ करके ना जाए। अगर मेरे भाई अगर पैसा नहीं कमाए ना, अपने माँ को अपने हाथ से मारोगे एक दिन तुम। अगर तुमने पैसा नहीं कमाया ना, अपने छोटे बच्चे को मरते हुए देखोगे। पैसा बहुत कमाना है, अगर पैसा नहीं कमाए ना तो अपने बाप को मारोगे तुम। पैसा नहीं कमाओगे, जिस बीवी पर अपना जान देते हो उस बीवी को अपने हाथों से गला दबाओगे। पैसा बहुत कमाना है, पैसा बहुत कमाना है। हम लोग गरीब है तो क्या हुआ, गरीब है तो क्या हुआ, हम कम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, हम लोग कातिल नहीं है, हम अपने लोगों का कातिल नहीं बन सकता मैं। हम लोग कभी भी अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। अगर मेरा पिताजी का तबीयत खराब होता है, हम लोग डॉक्टर के पास में उसको लेकर गए, डॉक्टर बोला 10,00,000 रुपया दो तुम्हारे पिताजी बच जाएंगे, लेकिन मैं 10,00,000 रुपया नहीं दे पाया। मेरे पिताजी फोटो बन के दीवार पर लेटक गए, मैंने पिताजी मेरे मर गए ना, मैंने मार दिया, मैंने पिताजी मर गए ना, मैंने मार दिया, आपने मार दिया। और पिताजी फोटो में लटके रहेंगे और जब तुमको देखेंगे तो बोलेंगे एक कमीना आदमी को जन्म दिया था, जिसके लिए अपने सपने को मार मार करके बड़ा किया, उसने ही मेरा जिंदगी को खत्म कर दिया। आज हमारे पिताजी हो सकते हैं, वहां पर अपनी माँ हो सकती है, जितने अपने दूध पिला करके हम लोग को बड़ा किया है, अपने माँ का हम लोग कातिल हो सकते हैं। जिस बीवी पर जान छिड़कते हैं उसका भी यही हाल हो सकता है, 20,00,000 रुपया खर्चा करना हो, जमीन बेचेंगे, सोना बेचेंगे, तब तक बीवी फोटो बन के लटक गई है। वो दिन भी आएंगे जब आपके बच्चे का तबीयत खराब होगा और 10,00,000 रुपया खर्चा करना होगा, तो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर में पापा पापा बोलते उसका दम निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पैसा बहुत कमाना है, पैसा बहुत कमाना है कि मेरे अपने लोग मुझे छोड़ करके ना जाए। पैसे के अभाव में जिसको जाना हो तो जाएगा, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं जाएगा। मेरा बीवी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा माँ हो, मेरा पिताजी हो, मेरे को बहुत पैसा कमाना है। ये सुन लो, बहुत पैसा कमाना है। जब मैंने भी ज्वाइन किया बोला तुम लोग के बस की बातें नहीं है, ये सब नहीं चलता है, ठीक है नहीं चलता है। एक एक्सीडेंट मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जो मैं आपको सामने शेयर करके स्पीच को खत्म करूंगा। आज से करीबन 6 साल पहले मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मेरा कमर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरे सर के ऊपर में 56 सिलाई पड़े हुए, 56 सिलाई पड़ा हुआ। जब डॉक्टर जब दाना दूना उठा करके मुझे हॉस्पिटल में लेकर के गया, झारखंड की बात, डॉक्टर बोला यार भी बचेगा नहीं। मैंने बोला बचेगा क्यों नहीं, मैंने थोड़ा सा सुना लेकिन मैं बोल नहीं सकता था, मैंने बचेगा क्यों नहीं, ये है एटीट्यूड। स्मार्ट वैल्यू सिखाया किसी भी हालत में हार नहीं मानने का, किसी भी हालत में हार नहीं मानने का। जब डॉक्टर हाथ उठा दिया तभी भी हार नहीं मानने का, बचेगा कैसे, फिर भी होश आया। मैंने डॉक्टर को बोला भैया मेरे को भाई हमको कोलकाता जाना है, अपने कोलकाता तैयारी करो। मैंने कोलकाता गया और मेरे को ठीक होने में 4 साल लगा, 4 साल, 26,00,000 रुपया से ज्यादा खर्चा हुआ और 13 बार से ज्यादा एडमिट हुआ हॉस्पिटल के अंदर में। भाग्य भगवान ने बुद्धि दिया था कि स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था। मैंने 4.5 साल काम नहीं किया, हर हफ्ता इनकम आते गया, आते गया, आते गया, मैंने अपना ट्रीटमेंट कराते गया, कराते गया, कराते गया, 1 रुपया का भी लोन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हो सकता है 1 महीना
मिले, दो महीना मिले, चार साल नहीं मिलेगा, लेकिन स्मार्ट वैल्यू चार साल मुझे देता गया, देता गया, देता गया। जब भी कोई फोन करता था जूनियर, बोलता था कि सर बहुत काम हुआ, बोले अपना हेल्थ देखो। कंपनी फोन करता था, मिस्टर राजू सिंह डोंट वरी, पहले अपना हेल्थ देखो, बहुत काम होगा बाद में। यह है स्मार्ट वैल्यू का प्लेटफॉर्म। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता, मेरे बीचा पिताजी जमीन जायदाद बेच करके मुझे नहीं बताते बचाते, और मैं फोटो बन के दीवार पर लटक जाता, फोटो बन के दीवार पर लटक जाता और पीछे क्या छोड़ के जाता। उस समय मेरी दो महीना की बेटी थी, एक बेटी को छोड़ के जाता, तीन साल शादी की हुई थी, उतना कम उम्र में एक औरत को विधवा बना करके जाता। यह है स्मार्ट वैल्यू जो मिला हुआ। जब मैं बच गया ना, लोग बोलते थे कि तुम्हारी बच्ची का मुंह देखा कि भगवान ने दुआ तुम्हारे जान वापस कर दिए, तुम्हारे बीवी का कोई दुआ पाठ लग गया इसलिए तुमको जान वापस हो गया, तुम्हारे माँ बाप का कोई दुआ कर्म लग गया इसलिए लग गया। लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं कि मुझे क्या लगा। जब मैं आईसीयू में लेटा हुआ था, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया, उस समय जाकर मेरी बीवी भगवान से दुआ करती, शायद भगवान उसके दुए को ठुकला देते। जब मैं आईसीयू में लेटा हुआ था, जब डॉक्टर मेरे हाथ उठा दिए थे कि आदमी बचेगा नहीं, उस समय में मेरे पूरे माँ बाप जाते भगवान से दुआ करते, चाहे भगवान उनका दुआ ठुकरा देता। लेकिन जो आदमी आईसीयू में लेटा हुआ है, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया, उसके लिए स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएशन 26 लाख आदमी अगर एक साथ भगवान से दुआ करे इस आदमी का जान वापस कर दो, तो कैसे मिले। कौन बोलते हैं कि स्मार्ट वैल्यू का घर होती है, गाड़ी होती है, पैसा होती है? एक दो महीना की बेटी को उसका बाप भी मिलता है, ये है स्मार्ट वैल्यू। एक औरत को एक सुहाग मिलता है, ये है स्मार्ट वैल्यू। एक पूरे माँ बाप का उतना सहारा मिलता है, ये है स्मार्ट वैल्यू। लेकिन इसके लिए स्मार्ट वैल्यू आपको करनी पड़ेगी, जम करके करना पड़ेगा। यस और नो? अगर करेंगे आपके जिंदगी में हर सपने पूरे होंगे, अगर नहीं ठीक से करोगे मेरे भाई, हम लोग गरीब आदमी है, साधारण आदमी है। आज मैं गरीब नहीं हूं, आज तो मैं पैसा वाला आदमी, आज गरीब नहीं हूं मैं। मेरे बच्चे लोग गरीब गरीब बाप के बेटे नहीं हो, पैसा वाला का बेटा। कहते जिसका बेटा बेटी 27 लाख की गाड़ी पर चढ़ता हो, गरीब नहीं हो सकता। भगवान करे ऐसा गरीब माँ बाप सबको दे 27 लाख की गाड़ी वाली। मैंने अपना जनरेशन बदल दिया। राइट नाउ आई एम नॉट अ पुअर मैन, आई एम अ रिच मैन, आई एम अ रिच मैन। मैं कमा सकता था, भगवान का दिया हुआ पेट में भी दिया था, कमा सकता था। आज मैं आपको दिखाता हूं कि स्मार्ट वैल्यू से मैंने क्या कमाया। यहां पर जितने लोग फोर व्हीलर लिए हैं, थोड़ा स्टेज पर आएंगे, जितने लोग, मैं सभी को दिखा नहीं सकता है। अगर दिखाया जाए तो बाइक दिखाए तो यहां सभी लोग चले आएंगे। एक दिन में करीबन करीबन 2 लाख से 1 लाख से ज्यादा टू व्हीलर है, दिखा नहीं सकता। ये सभी लोग है मेरे टीम के अंदर में, टीम के अंदर में करीबन 500 से ज्यादा फोर व्हीलर है। एक छोटा सा ड्रूम का टीम है, उसके लोग है। मैं कुछ लोगों से नहीं पूछूंगा, खाली क्वालिफिकेशन बोल पूछूंगा, और कौन सा गाड़ी पर चढ़ते हो ये पूछूंगा। आपका क्वालिफिकेशन सर? 12 पास है। आप कर दीजिए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका 12 पास है सर। 12 पास, आप ग्रेजुएशन, आप मैट्रिक के बाद आप ग्रेजुएशन, आप सर 12 पास, आप सर ग्रेजुएशन, आप 12 पास, आप 2 बार में इंटर में पास किए, 2 बार 12 पास। देखिए लाइफ में ये अचीवमेंट किया है। आज मैं कमा सकता था, लेकिन मेरे पेट में एजुकेशन था, मेरे ऊपर में तंबा लगा था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। लेकिन इनके जिंदगी में ना कोई तंबा नहीं लगा हुआ है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, सभी लोग साधारण घर के लड़के है। स्मार्ट वैल्यू का दामन पकड़ा, सभी लोग बहुत सारे करीब सभी लोग फॉरेन ट्रिप कर गए। मैं एक और एक लड़का को बुला रहा था, लड़का दिखाई नहीं दे रहा, वो जो सादा रंग का कपड़ा पहना था, कहाँ गया वो चला गया, उसकी बहन भी है, इधर आ बेटा, आ जा बाबू, इसका भाई चला गया, वो सादा रंग का जो ड्रेस पहन था, इमाम बेल का। इमाम बेल अगर है, अगर सुन रहे आवाज तो चले आओ, आ जा बाबू, थोड़ा जोरदार ताली होनी चाहिए। ये भाई बहन दोनों मिलकर बोलता है, ये है फैमिली बिजनेस।
भाई बहन दोनों मिलकर करते हैं। कितना तक पढ़ाई किया बेटा? 12th पास और भैया मैट्रिक फेल है। मैट्रिक फेल है, क्या करता तो बता। इंटर फेल है। फेल है, देख आज फोर व्हीलर हो गया। ये लोग ये लोग आदिवासी है, आज फोर व्हीलर हो गया। दोनों भाई बहन प्लेटफॉर्म पर चला जाता है, ये अचीवमेंट किया। भगवान ने मेरे पेट में विद्या दिया था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ये लोग नहीं है। लेकिन मेरे एक डिसीजन के माध्यम से कितने लोगों का सपना पूरा हुआ है। दैट इज द प्लेटफॉर्म, दैट इज द प्लेटफॉर्म। भगवान आएगा नहीं, एक कलयुग है, भगवान आएगा नहीं। कोई ना कोई दूत को आपके घर के सामने भेजेगा, इस दूत को पहचानना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आया था, इन लोगों ने पहचाना मेरे। आपके पास में बहुत सारे लोग गए होंगे जो दूत के माध्यम से गए हैं। समझिए कि भगवान का भेजा हुआ दूत है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। इस सब का अचीवमेंट पूरा होगा। यस और नो? और एक और बात बोलूंगा, आज राजू सिंह एकदम साधारण आदमी है, कोई खेत में काम करना, पिताजी खेती बाड़ी। लेकिन आज राजू सिंह हुआ है ना, ड्यू टू मेरा कैलिवर नहीं। भगवान ने एक आशीर्वाद मेरे को दिया था, मैंने लिया था, और स्मार्ट वैल्यू का प्लेटफॉर्म है, और मेरे बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्या बोलेंगे मेरे साथी मिले हैं, जिसके चलते राजू सिंह हुआ। मैं जैसे बोलना चाहूंगा परेश राठौर है, ये सभी लोग हैं, विजय जी आइए, ये लोग मेरे साथ पहले ही स्टार्ट किए हैं। निरंजन है, आनंद है, ये सभी लोग हैं, पंकज है, योगेश है, अजीत है, और भी बहुत सारे, अमन है, पंकज है, राजू है, ये सभी लोग हैं। आज राजू सिंह इसलिए हुआ पाया, ये सभी लोगों का हम लोग साथ एक साथ में है, हम लोग एक साथ में है, सभी लोग गला मिले, एक साथ पकड़ो एक दूसरे का गला, हम लोग सभी लोग एक साथ में है, एक साथ में। हम लोग का मकसद एक ही है, गला से गला मिलेंगे और एक साथ चलेंगे, हर सपने को पूरा करेंगे, हर सपने को पूरा करेंगे, गरीब नहीं मरेंगे, इसका तो दावा जरूर है, गरीब हम लोग नहीं मरेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू दादा। राजू दादा के लिए जोरदार ताली भी चाहिए। आगे